कल्याण चरणों समस्त प्रेमी आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और सामने बड़ी दूर दूर से सारे हुए हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण और प्रमुख रूप से इस रसिया नगर में विभिन्न अखाड़ों के उस्ताद खलीफा, विभिन्न अखाड़ों के कलाकार और मेरे समक्ष स्वर्गीय श्री सुजन शर्मा जी के सुपुत्र शिष्य भैया मनोज जी अपने सभी सक्षम साथी कलाकारों के साथ विराजमान हैं। तो सर्वप्रथम अपने छोटे से अखाड़ा पुत्र स्वर्गीय लाला श्री चंदूमल जी की तरफ से आप सभी के चरणों में बार बार अपना सर रखते हुए प्रणाम करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी अभी आपने प्रथम चंद्र सुनाया है, समर्थन अवश्य करूंगा कि रसियाबाजी में थोड़ी जो पूर्णता की बात आजकल आ गई है उससे दूर हटकर के जो प्रथम चित्र भैया मनोज जी आपने मुझे दिया है, मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा और पूर्ण निर्वाह करने का प्रयास अपनी ओर से होगा। देखेंगे मेरी ओर से प्रथम चित्र, लेकिन थोड़ी सी बात, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमें रसियाबाजी से पूर्णता बकवास बदतमीजी हटानी, विचार करना मनोज भाई, वहां तक तो सही था कि भीष्म पितामह कह रहे थे कि दुख दर्दों का सामना, लेकिन अगली पंक्ति आप लाए कि हिजड़े क्या कर सकेंगे मर्दों का सामना, इसीलिए रसियाबाजी नहीं सुधर सकती। महाभारत के अंदर अगर कहीं पर भी हिजड़े से सबका प्रयोग भीष्म पितामह ने कहा हो तो आप सभी विद्वान हैं, आप जान सकते हैं कि मेरी बात क्या है। कहीं पर भी हिजड़ा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन रसिया वाले मानते नहीं है। खैर, आपने प्रयोग किया है तो जवाब भी मेरी ओर से मनोज जी ऐसा होगा कि जिंदगी में तुम किसी से दोबारा इस शब्द का प्रयोग नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। Thank you.
और कभी आपकी होता है। आप कह रहे थे कि मैं किए जा रहे हो
ऐलान दिए जा रहे हो। अब ऐलान देख करके अगर जा रहा है, ऐलान देख करके अगर समर में खड़ा नहीं है जा रहा है, तो वो मेरी समझ में मर्द। ऐलान देख करके जो रुके उसको कहते हैं कि ये मर्द है, कि मैं ऐलान देख के जा रहा हूं। अब जाने का मतलब क्या है? जा रहा हूं। लेकिन जब ये तीसरी कन्या आपके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि महाराज मेरा क्या होगा, तो आपने अपनी प्रतिज्ञा का बहाना देकर के, अपने प्रतिज्ञा का आश्रय लेकर के और इस नारी को अपने दरवाजे से बाहर कर दिया। तो आप एक नारी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सके तो मेरी नजर में तो तुमसे बड़ा सुखंडी इस धरती पर कोई दूसरा न था और न कभी हो सकता है। इसलिए कहना क्या, ये शिखंडी नहीं है भारत के, ये शिखंडी नहीं है, है ये भारत की, जो छोड़े पार पर ये शिखंडी नहीं है भारत की, जो छोड़े मर्द बनो बनने पड़े तो रहे
जाते हिम्मत दौड़े जाते हिम्मत जब क्रोध की अग्नि होती है तो कर्म होती है। आपने कहीं गुंजाइश अपनी ओर से नहीं छोड़ी है, लेकिन मेरी कोशिश क्या है? रुख सर्दों का सामना लक्ष्मण साहब, मेरी नजर में आज आप अलीगढ़ के शान हो। जितनी गुंजाइश बच्चे हैं उसका प्रयास ये बच्चा कर रहा है। आशीर्वाद चाहूंगा क्या? सर्दों का सामना लहु लाल कर रहा है, मुख चरणों का सामना लहु लाल कर रहा है, मुख चरणों का सामना। लहू गर्म है, रुख सर्दों का सामना और लहू लाल कर रहा है, मुख जर्दों का सामना। पीले जर्द मुख पड़े हुए हैं, लड़ने की जगह गाल बजा रहे हैं। अरे लहु लाल कर रहा है, मुख चरणों का सामना लहु लाल कर रहा है, मुख चरणों का सामना। तो समझो बात सही है। अलीगढ़ के आन बान शान उस्ताद लक्ष्मण सिंह जी आशीर्वाद देकर के गए और सभी का आशीर्वाद आया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके आप उस्ताद कृपा का वंदन करें। मेरा निवेदन है, क्या बात मनोज भैया, अंतरा ऐसे भी है। कैसे आज शक्ति कैसे ठंडी, आज शक्ति कैसे ठंडी भैंदीर चाप की, आज शक्ति कैसे ठंडी भैंदीर चाप की। और श्री मंजी इधर आ बेटा, ये लाइन मैं बाद में बोलूंगा, पब्लिक पहले बोलेगी। पर मनोज भाई आनंद तब आएगा जब ये टुकड़ा दोबारा से लड़े हैं, क्योंकि घर से लिखना आसान होता है। क्या आज शक्ति, आज शक्ति कैसे ठंडी भैंदीर चाप की, और जिसे कहते तुम से ठंडी ये है मौत आप की, जिसे कहते तुम से ठंडी ये है मौत आप की। अरे धर रहा है ये
सर्दों का सामना लहू लाल कर रहा है, मुख चरणों का सामना लहू लाल कर रहा है, मुख चरणों का सामना। सरेआम जिए जाए हो समझे, हाय सवन सरेआम मेरी ओर से सुनकर प्रयास एक टुकड़ा दिया दिया पड़ेगा। मेरे ओर से प्रयास हुआ एक गीत बनाया था मेरी ओर से समर्थन करें, इस हिंदुस्तान को गाली दें, ये भी हमारा हराम नहीं है।
मेरा जन्म है। आदरणीय ताऊ जी की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है। मैं चाहूंगा तालियां बजा करके आप लोग अभिनंदन करें। मेरा इशारा है, मेरा इशारा है पानी क्या है? कश्मीर हमारी